back to your seats and allow the discussion. Please, माननीय संजय सिंह जी, go back to your seat. I am again warning you. कोई और बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है. Shri Sanjay Singh is suspended for the remaining part of the current week. Please leave the house. You have been suspended, Mr. Sanjay Singh. नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। मोन्टाज में ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय का, जो कह रहे हैं कि संजय सिंह आपको मिसबिहेव के लिए एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब उन्होंने क्या मिसबिहेव किया था वो समझिए। उनकी डिमांड थी कि खाने पीने की चीजों पर, दूध दही पनीर पर जो GST लगाया गया है उसको वापस किया जाए। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में जो नकली शराब से 55 लोगों की मौत हुई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी 24 राज्यसभा सांसद और 4 लोकसभा के सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। आप समझिए किस तरीके के हालात है। ये सरकार नहीं चाहती कि जन सरोकार के मुद्दे पर संसद में बहस हो। कहने के तो हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस देश को चलाया जा रहा है, लेकिन असल में जो है वो तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 28 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, उसके बाद वो लगातार संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के बाहर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन उनका निलंबन जो है वापस नहीं लिया जा रहा, बल्कि उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप माफी मांग लेते हैं तो आपको आपके निलंबन पर विचार किया जा सकता है। आप समझिए कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि विपक्ष में रहकर या विपक्ष वाले इनसे सवाल करें। आज गरीबी से देखिए लोग किस तरीके से दो चार हैं। गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल, इसके अलावा और जो सारी चीजें हैं जो आम दिनों में जनता के काम आती है, वो सारी चीजों पर लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने जवाब दिया है कि किस तरीके से 2014 से अब तक 22 करोड़ जो है नौकरी के लिए आवेदन हुए, 22 करोड़ आप समझिए, लेकिन उनमें से नौकरी कितने लोगों को मिली? सिर्फ 7 लाख लोगों को। आप समझिए, जो अगर उसका रेशियो निकाला जाए जो 1% भी नहीं बनता है। 22 करोड़ जो है आवेदन आए थे पिछले 8 साल में, लेकिन सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिलती है, उनको नियुक्त किया जाता है। आप समझिए, एक तरफ जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था उसका ये असर दिख रहा है कि 22 करोड़ जो है आवेदन आने के बाद सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इतना ही नहीं, संसद में एक और सवाल के जवाब में सरकार के मंत्री जी ने कहा है कि 2020 से 22 तक जो कस्टोडियल डेथ हुई है उसका उन्होंने आंकड़ा दिया है, और उस आंकड़े में सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है, जो मौतें हुए पुलिस कस्टडी में, वो उत्तर प्रदेश में हुई है। जी हाँ, आप समझिए, जहां जहां बीजेपी है, जिस राज्य में बीजेपी सरकार है, वहां किस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर उस आवाज को दबा दिया जाता है जो सत्ता से सवाल करती है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है या रोजगार की मांग करती है। तो ऐसे हालात है। संसद में चर्चा करने के लिए विपक्ष को ही बैन कर दिया जा रहा है। 28 सांसदों का जो है निलंबन हो चुका है। आप सोचिए कि जब विपक्ष में कोई सवाल करने वाला ही नहीं बचेगा, कोई सरकार से सवाल पूछने वाला ही नहीं बचेगा, फिर इस लोकतंत्र का क्या फायदा। कहने को तो हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लेकिन जो रूल हो रहा है वो सीधा सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से तानाशाही हो रही है। लोकसभा में, राज्यसभा में लगातार सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। जन सरोकार के मुद्दे पर बहस तक नहीं हो रही है। सरकार खुद आंकड़ा देती है कि पिछले 8 सालों में 22 करोड़ जो है एप्लीकेशन आते हैं रोजगार के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ जो है 7 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने ट्वीट करके बताया है कि अभी भी 1 करोड़ ऐसे पद खाली पड़े हैं जहां पर नियुक्तियां की जा सकती है, जहां पर रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन सरकार उसको भी भरने को तैयार नहीं है। लगातार जो सरकारी कंपनीज हैं उनको बेचकर अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आज अडानी जो है दुनिया के 4थे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, लेकिन भारत के युवाओं के लिए, भारत की जनता के लिए मोदी सरकार के पास न रोजगार है और ना ही उनके पास कोई उनके लिए कोई अच्छी स्कीमें हैं ताकि जनता को राहत मिले। तो इस तरीके से देश को चलाया जा रहा है। लगातार जो उनसे सवाल करता है उसको दबाने की कोशिश हो रही है और यह साफ दर्शाता है, जिस तरीके से 28 सांसदों का निलंबन हुआ है वो साफ साफ दर्शाता है कि मोदी सरकार किस तरीके से विपक्ष को चुप कराना चाहती है या जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उनसे किस तरीके से भागती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।